First of all, I must congratulate the organizers for a very well-timed conclave on the subject, because there has been an unusual silence on the growing atrocities and the growing violation of democratic norms in the country. अब ये जो मुझे टॉपिक दिया गया है आज के सेशन में, दोनों के बारे में हमें बात करना है, दलित समस्या के बारे में और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में. ये मैं थोड़ा, क्योंकि जिग्नेश यहाँ हैं, बाकी दोस्त भी हैं, तो सभी विषयों का न लेते हुए मैं ज़्यादातर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, धार्मिक अल्पसंख्यकों के सवाल के बारे में आपके सामने कुछ रखना चाहूँगा. अब वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, पिछले 4 साल में जो हुआ है उसके कुछ मैं सैम्पल आपके सामने रख देता हूँ. दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव थिंग्स विच हैव हैपन्ड. आपको याद होगा राजस्थान में शंभूलाल रेगर, अफराजुल का केस, मैं केवल इशारों में ही बात करूँगा जो हुआ था. अब वो अफराजुल का केस हुआ, बहुत भयानक हुआ, पर उससे भी ज़्यादा मुझे जो भयानक बात लगी वो ये कि समाज का एक बड़ा तबका शंभूलाल रेगर की मदद के लिए सामने आया, उसने उसके काम को उचित ठहराया. यानी समाज की मानसिकता किस प्रकार से बदल रही है, मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में सोचिए. दूसरा, कुछ आंकड़े आए हैं 2017 में, जो सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग 2017, दिस हैज़ बीन मच हायर देन एवर बिफोर. और इसके अलावा जो भी यूजुअल मुद्दे हैं, अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरियल चल रहा है, सीरियल मतलब सीरीज ऑफ आर्टिकल्स चल रहा है फर्स्ट पोस्ट में, डेमोक्रेसी इन इंडिया, डोंट मिस इट. अभी मैंने उसमें लेटेस्ट जो पढ़ा, लेटेस्ट आर्टिकल मेरे ख्याल से सीरीज़ 11 या 12, उसमें ये कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं उसमें जो MLAs या जनप्रतिनिधियों में मुसलमानों की संख्या प्रायः क्लोज टू ज़ीरो होती जा रही है. और ये बात ख्याल कीजिएगा, जितने राज्यों में भाजपा सरकार जीत कर आई है उनमें बहुत सारे, ज़्यादातर राज्यों में एक भी मुस्लिम MLA नहीं है. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, हिंसा कैसे हुई, क्या हुई, पर इसके पीछे के कुछ ऐतिहासिक पहलू मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हिंसा अचानक टपक पड़ी क्या. वास्तव में मैं अपने नौजवान दोस्तों को चाहूँगा, आई विल रिक्वेस्ट यू ट्राई टू आंसर वन ऑफ माई सिंपल क्वेश्चन. मेरा एक सरल सवाल यह है कि हिंसा होती है या करवाई जाती है? वेरी गुड, ठीक है. एक और दूसरा एक सवाल, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा पर मैं आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ, बताइए हिंसा कौन करवाएगा? मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ कि हिंसा वही करवाता है जिसको हिंसा से फायदा होने वाला है. पिछले 30 सालों में जो सांप्रदायिक हिंसा अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ी है उसका फायदा किसको हुआ है, ये सवाल मैं आपके दिमाग में रख रहा हूँ, नंबर एक. नंबर दो, क्या हिंसा ऐसे ही हो सकती है? नहीं. हिंसा के पीछे नफरत, हेट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सोशल थिंकिंग, बिकॉज ऑफ विच रिलीजियस वायलेंस कैन बी ऑर्केस्ट्रेटेड. दो घटनाएं बता दूं. कंधमाल में बहुत भयंकर हिंसा हुई. मैं कंधमाल वहां के रिफ्यूजी कैंप से आ रहा था, एक दुख से, दर्द से, पीड़ा से वापस आ रहा था, पर मैं जब भुवनेश्वर की सड़कों पर आया, वहाँ मैंने लोगों से बात किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, इनको ये सबक सिखाने की ज़रूरत थी. दूसरी जगह हमारे बम्बई में 1992-93 में, जब शुरू में मैं इस बात से झकझोर हो गया था, इतनी बड़ी हिंसा हो रही थी, पर कई लोगों का यही था कि ये लोग जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है ये ऐसे हैं. यानी सबसे पहले याद रखिए कि 3 स्टेज पर मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ. सबसे ऊपर दिखती है हिंसा. अब हिंसा के ऊपर भी 2 चीज़ें दिखती हैं. हिंसा के कारण होता है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, और वो पोलराइजेशन के कारण एक राजनीतिक पार्टी पहले से लगातार ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है. ये हिंसा के ऊपर की बात. और हिंसा के नीचे जो छुपा है वह एक प्रकार का सामान्य सामाजिक सोच, सोशल कॉमन सेंस, जिसमें मुसलमानों के बारे में 10 चीज़ें, क्रिश्चियंस के बारे में 4 चीज़ें, 5 चीज़ें, ये समाज में फैली हुई हैं. और ये भी विश्वास रखिए कि इनके खिलाफ ये जो प्रकार का प्रोपोगंडा है ये कल चालू नहीं हुआ. इसकी जड़ें तो 100 साल पुरानी हैं. इसकी जड़ें उस प्रकार के इतिहास लेखन में हैं जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने यहाँ किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी. यानी इस प्रकार के इतिहास को बताना
कि जिसमें राजा को उसके धर्म से जोड़कर चलना। राजा अच्छा क्यों था? क्योंकि वो मेरे धर्म का था। राजा खराब क्यों था? क्योंकि वो दूसरे धर्म का था। ये जो सोच है, इसमें केवल हिंदू सांप्रदायिकता का ही सवाल नहीं है, मुस्लिम सांप्रदायिकता का भी यही आधार रहा है। इस बात को भी ख्याल कीजिए। आज जो सवाल भारत में बढ़ता जा रहा है, उसका एक बड़ा सैंपल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का सवाल इससे भी बड़ा है। बांग्लादेश में भी वही समस्या आ रही है, म्यांमार में भी वही समस्या आ रही है, श्रीलंका में भी यही समस्या आ रही है। जो उपनिवेशवाद के काल में इतिहास की जड़ों को रखा गया, द फाउंडेशंस ऑफ हिस्ट्री विच वी आर डिन, उसमें राजाओं के इतिहास को लिया गया, और उसमें खैर वो चीज़ें आज तक चल रही है। और उसका एक अभी का उदाहरण जो आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी फिल्म पद्मावती पे एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। सॉरी, पद्मावती नहीं, उसका नाम बदल गया था ना, पद्मावत। सॉरी, मैं गलत, उम्र के हिसाब से गलतियां करता रहता हूँ। खैर, एनीवे, पद्मावत। अब पता चला कि भाई पद्मावत में राजपूत अस्मिता का बहुत हनन हो रहा है। अब पता चला कि ये एक राजपूत राजकुमारी जौहर करती है, तो हम किन बातों को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी देखिए। पर इसी बहाने मैंने थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने की कोशिश की, तो पता चला कि जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी एक वहशी जंगली जो खाने को भी अटैक करता है, औरतों के पीछे पड़ा रहता है, जो फिल्म में दिखाया गया, और वास्तव में इतिहास में जो उसका चित्र है, जो एक अदब से तहजीब से राज्य को चलाता है, दिल्ली का हौज खास बनवाता है, हेलो हौज खास दिल्ली का वही बनवाता है, दिल्ली में ट्रेड सिस्टम को लाइन पे लाता है, तो पद्मावती तो इतिहास में थी नहीं, क्योंकि वो तो एक कवि की कल्पना थी, सूफी संत की कल्पना थी पद्मावती। तो उसके आधार पे लोगों को हो रहा है, और इसी आधार पे थोड़ा और सोच लीजिए, क्योंकि एक ही मुद्दे को लेकर मैं चलता हूँ, उससे हम कितनी चीज़ों को सोच सकते हैं। और आज पद्मावती पे जो विवाद हुआ, वो इस बात का भी द्योतक है कि समाज में सांप्रदायिकता कैसे बढ़ती जा रही है। अपने 40 साल पहले एक बहुत प्यारी सी फिल्म देखी थी, मुगल-ए-आज़म। एक हिंदू राजकुमारी, मुसलमान राजा, शादी, सब लोगों ने उस फिल्म का बहुत स्वागत किया। उसके बाद आई फिल्म जोधा अकबर, वही थीम, वो भी काल्पनिक थीम है एनीवे। लोगों ने थोड़ा सा विद्रोह किया कि आप कैसे बता सकते एक मुसलमान राजकुमार और एक हिंदू लड़की, तो वो लव जिहाद वाला मामला जो आ गया, अफराजुल की बात कर रहा था, उसमें भी एक लव जिहाद का मामला था। खैर, अब इसी के साथ चलकर जो एक वास्तव में पद्मावत में जो किया गया है, वो किसी राजपूत अस्मिता का हनन नहीं किया गया। वास्तव में आज मुसलमानों के बारे में जो सोच है, उसके आधार पर खिलजी को खड़ा किया गया। मामला कुछ उल्टा था, समाज में विरोध कुछ उल्टा हुआ। और इसी के साथ आज जो समाज में, मैं इतना कहना चाहूँगा कि वास्तव में ये जो मुस्लिम समाज है, वो आज सेकंड क्लास सिटीजनशिप के रूप में हाशिए पर ढकेल दिया गया है। इसी हॉल में 8 साल पहले 9 साल पहले एक मीटिंग की थी, व्हाट इट मींस टू बी अ मुस्लिम इन इंडिया। उस समय सब सोच रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर आज एक इस हालत में आ रहे हैं कि आज हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मुस्लिम्स आर गेटिंग मार्जिनलाइज, गेटिंग प्रैक्टिकली एब्सेंट। और इसकी जड़ों में जो देखा जाए, तो वास्तव में एक प्रकार का राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद जिसके आधार पे लोग अपनी छाती को 56 इंच का बनाते हैं। वही व्यक्ति ने हमारे बम्बई में आए तो वोट मांगने के लिए उन्होंने एक बड़ा सरल किया, मुझे याद इसलिए रह गया कि उस बात पर बम्बई में जगह जगह होर्डिंग लग गए। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। अब मुझे बड़ी हैरानी हो गई, क्योंकि देश में तो महानतम हिंदू हुए, पर उन्होंने कभी खुद को हिंदू राष्ट्रवादी नहीं कहा, और उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। देश में उतने ही एक महान मुसलमान हो गए, जो मुसलमान भी थे, पर उन्होंने अपने आप को कभी मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं किया। उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मुख्य मामला दोस्तों ऐसा है कि जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा और राजनीति है, पिछले 4 साल में अपनी चरम सीमा पर की तरफ जा रही है। ये हिंदू राष्ट्रवाद जो आज़ादी के दौरान में दो प्रकार के राष्ट्रवाद आए, एक भारतीय राष्ट्रवाद, छोटे से मैं कह रहा हूँ, इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद में सरदार भगत सिंह, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी,
जिन्होंने उनके संगठनों को नाम भी याद रखिए तो उसमें आपको एक इंडियननेस दिखता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये एक उभरते वर्ग का राष्ट्रवाद आया जिसने सब लोगों को जोड़कर भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना की। और इन वर्गों जो पुराने यहाँ के वर्ग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, जब उनको समाज के बदलते समीकरणों से, when they got threatened because of the changing equations which had potential of equality, जो बराबरी की बात करना चाहते थे, तो उस समय राजा, नवाब, जमींदार साथ में आए और उन्होंने संगठन बनाए। एक संगठन का नाम था मुस्लिम लीग, दूसरे संगठन का नाम था हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात की, हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्रवाद की बात की। और इसी हिंदू राष्ट्रवाद की बात को लेकर 1925 में एक संगठन बना। ये संगठन का नाम आप मुझे बताएंगे, ये लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं, राइट? तो खैर वो बना और उन्होंने फिर हिंदुत्व को बताया, हिंदू राष्ट्र की कल्पना की, और उसी आधार पर उन्होंने समाज में एक प्रकार की नफरत फैलाने का सिलसिला चालू किया। मेरी मुख्य थीम ये है कि आज मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है उसके पीछे है नफरत, और ये नफरत फैलाई गई कुछ हमारी किताबों के माध्यम से, कुछ मीडिया के माध्यम से, और उससे ज़्यादा उन शाखाओं में जहाँ नमस्ते सदावत्सले राजभूमि कहकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना को एक प्रकार से लोगों के दिमाग में घुट्टी पिलाई जाती है कि मुसलमान विदेशी हैं, आक्रामक हैं, आतंकवादी हैं, ज़्यादा उनके बच्चे होते हैं, ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, ज़बरदस्ती से धर्मांतरण किया। तो मुझे लगता है दोस्तों, आज हम जब इस कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं, ज़रूरी इस बात को है कि ये हम हिंसा की जड़ को पहचाने, नंबर एक। नंबर दो, इस हिंसा के पीछे जो नफरत पैदा की गई है उस नफरत को पहचाने। जब तक हम इस नफरत का मुकाबला नहीं कर सकते, ये राजनीति ख़त्म नहीं हो सकती। और वही मेरी अपील है कि इतिहास में जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमको इतिहास को दोहराना है, हमको इस बात के लिए इतिहास को समझना है कि जो गलत प्रकार से हमने भारत को समझा, हमने भारत को महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से देखने की कोशिश करना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, मैंने इतिहास का थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया और सबसे अच्छी समझ जो मुझे भारतीय इतिहास की मिली वो महात्मा गांधी की हिंद स्वराज में मिली। दो पेज में महात्मा गांधी कहते हैं, ये हिंदू राजा, मुसलमान राजा, ये तो मिलकर राज्य करते थे, मिलकर ही एक दूसरे के साथ चलते थे। इसलिए पता चला अकबर के दरबार का जो एक व्यक्ति था, कौन व्यक्ति पहले मैं आपको इशारे में बताऊंगा, वो एक व्यक्ति था राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करता था जो दुर्भाग्यवश आज मोदी सरकार में अरुण जेटली करते हैं। अब ये हमारा इतिहास है। इस प्रकार की छोटी सी छोटी चीज़ों को समझ के मैं चाहता हूँ कि हम महात्मा गांधी के हिंद स्वराज को, पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को, और वो जो बात की गई इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इसमें समाज के सभी तबके, जो भी उनका धर्म हो, जो भी उनकी जाति हो, जो भी उनका लिंग हो, जो भी उनकी भाषा हो, उसके बावजूद हम सबसे पहले भारतीय हैं। और उस आधार पे एक इतिहास की समझ और आज की समझ जब तक हम नहीं लाएंगे माइनॉरिटीज़ का, आज पाकिस्तान का हाल देखिए, पहले उन्होंने केवल हिंदू और क्रिश्चियंस को मारा, उसके बाद आज वहाँ नंबर लग रहा है अहमदिया का, शिया का। तो ये जब नफरत की राजनीति होती है तो ये अल्पसंख्यकों से चालू होकर अपने समाज के अंदर के कुछ हिंदुओं को टारगेट करेगी, अरे ये हिंदू तो वैसे हैं, ये हिंदू तो वैसे हैं। इसलिए मेरी मुख्य अपील है कि आज आगे बनना, अगर हमें अच्छा समाज बनाना है तो सर्वसमावेशी इंक्लूसिव कंसेप्ट, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग को लेकर आगे चलने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।